अमरिंदर सिंह जी, मनप्रीत बादल जी, बाजवा जी, सुनील झाकर जी, श्रीमती बिरी महाजन जी, श्रीमती सीमा जैन जी, हमारे मंत्री, एमएलए, सरपंच, पंचायत के नेता, बाकी अधिकारी, भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं इस प्रकार के प्रोग्राम को इनोग्रेट कर रहा हूं, वर्चुअली कर रहा हूं। मगर कोरोना का समय है तो वर्चुअली करना पड़ रहा है। हर इमारत की नींव होती है, नींव कमजोर हो जाती है तो इमारत गिर जाती है, और अगर इमारत नहीं रही तो नींव की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार अगर हम शहर की बात करें, अगर शहर की बात करें तो हम, अगर हम विधानसभा की बात करें, अगर विधानसभा इमारत है तो पंचायत और सरपंच नींव है। और अगर हमें पंजाब का या हिंदुस्तान का विकास करना है तो मैं हमें इमारत की भी रक्षा करनी है और नींव की भी रक्षा करनी है। ये जो प्रोग्राम है ये नींव की रक्षा करता है। जो पंजाब का फाउंडेशन है, जो हमारा गांव है, उसकी रक्षा करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। और गांव की प्रोटेक्शन करने से शहर की और पंजाब की रक्षा। अगर हम गांव को भूल जाएं और सिर्फ हम शहर की बात करें तो नींव कमजोर होगी और अंत में पंजाब कमजोर होगा। तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि हमारा फोकस नींव पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, पंजाब मजबूत होगा। 2700 करोड़ रुपए हम पंजाब की नींव को मजबूत करने में डाल रहे हैं। और जैसे बादल जी ने कहा, ये पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का खून पसीना है। और जब हम इसको सड़कों में डालें, पुल में डालें, स्पोर्ट्स स्टेडियम में डालें, हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का खून पसीना है। और इसीलिए बिना भ्रष्टाचार के हमें पूरा का पूरा पैसा एंड यूजर तक पहुंचाना चाहिए। अमरिंदर सिंह जी ने पंचायतों की बात की। कांग्रेस पार्टी जब भी प्रोग्राम चलाती है, चाहे वो मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, या ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम हो, हम पंचायत के माध्यम से चलाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं और समझते हैं कि जो हमारे सरपंच भाई बहन हैं, वो गांव की आवाज समझते हैं, सुनते हैं, और वो ही विकास को, गांव के विकास को समझते हैं। तो हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं उनके माध्यम से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने पंचायतों का प्रयोग किया तो सही प्रोग्राम बनेगा और ठीक तरीके से चलाया जाएगा। अगर हमने ऊपर से प्रोग्राम थोप दिया, बिना सरपंचों से पूछे, बिना एमएलए से पूछे, हम जानते हैं कि वो प्रोग्राम फेल होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो जनता का प्रोग्राम नहीं हो। और प्रोग्राम को डिटेल्स देखने पर मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पंचायतों के साथ मिलकर बनाया गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है
कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाए। अगर हम पंजाब की बात करें और अगर हम गांव की बात करें तो अगर गांव इमारत है तो खेत नींव है, बिना खेत के गांव का कोई मतलब नहीं। और मुझे दुख हो रहा है और पूरे पंजाब की जनता को दुख हो रहा है कि पंजाब की आत्मा पर, किसानों की आत्मा पर सरकार आक्रमण कर रही है। ये जो तीन कानून बनाए हैं ये हिंदुस्तान के हर किसान की आत्मा पर आक्रमण है, उनके खून पसीने पर आक्रमण है। और हिंदुस्तान के सब किसान, सब मजदूर इस बात को समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले पंजाब आया, हरियाणा गया, हर एक किसान को मालूम है, हर एक मजदूर को मालूम है कि इन तीन कानूनों ने उन पर आक्रमण की शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है इन कानूनों पर, असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया है। और असेंबली में हमारे एमएलए इन कानूनों के बारे में निर्णय लें। अगर हम हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। और जब भी कांग्रेस पार्टी लड़ती है हम नींव को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए लड़ते हैं। यह फर्क है हम में और दिल्ली की सरकार। वो इमारत की बात करते हैं, योजना ऊपर से थोपते हैं, पंचायतों से नहीं पूछते, जनता से नहीं पूछते, और उनके कानून हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करते हैं। अगर ये कानून किसानों के हित के कानून थे, अगर ये कानून मजदूरों के हित के कानून है, तो फिर इन कानूनों को पास करते हुए राज्यसभा और लोकसभा में सरकार ने डिबेट क्यों नहीं होने दी? अगर किसानों के हित के कानून थे तो डिबेट से क्या डर? डिबेट होती, पूरा देश देखता और देश निर्णय लेता कि इन कानूनों से फायदा हो रहा है या नुकसान। मगर लोकसभा और राज्यसभा में हिंदुस्तान के किसानों की आवाज को दबाया गया, उछला गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब की विधानसभा में पंजाब के किसान की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी, किसान के मजदूर की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी। और मुझमें पूरा भरोसा है कि अगर किसान और मजदूर ने अपनी आवाज सामने रखी तो कोई भी शक्ति इन तीन कानूनों को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। दुख हो रहा है कि मैं पंजाब नहीं आ पाया, कोरोना का समय है, मैं आना चाहता था, मगर अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि इसको हम वर्चुअली कर सकते हैं, तो वर्चुअल ये हमारी मीटिंग हुई। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, खास तौर से जो हमारे सरपंच भाई हैं, बहन हैं, आप जनता की आवाज हो, आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होकर किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई लड़ेगी। मैं जानता हूं कि पंजाब में और पूरे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई,
और अब कोरोना के समय काफी मिसमैनेजमेंट हुआ, दिल्ली की सरकार ने टोटल लॉकडाउन कर दिया, और हम समझते हैं कि युवाओं को रोजगार की बहुत कमी है, और इसलिए जो अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने रोजगार देना दिया है, सरकारी रोजगार दिया है, उसके लिए मैं अमरिंदर सिंह जी और सरकार को दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा काम पंजाब की जनता की रक्षा करने का है, पंजाब को विकास दिलवाने का है, और हम मिलके आप सबके साथ ये काम पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।